हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको पोको M3 Pro 5G में टच हमारा काम करना बंद कर देता है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो बताने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। और ये हमारा जो कनेक्टर आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमारी डिस्प्ले लगाई जाती है जिससे हमारी डिस्प्ले और टच दोनों वर्क करते हैं। तो इसमें एक लाइन होती है पावर की, जिसको हम वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं, वीपीएच पावर लाइन, वर्क की लाइन। इस पे हमें 1.8 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, जो लाइन रेड कलर की आपको दिख रही है, इसमें हमें वोल्टेज देखने को, और ये वोल्टेज हमारे जो है पावर आईसी से आते हैं, वो आप देख पा रहे होंगे। और इस बोर्डियों से आप मोबाइल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और ये लाइन हमारी इस कनेक्टर पे आती है, इस पॉइंट पे। उसके बाद में और भी आपको लाइन दिख रही हैं, जो कि 5, एक और नीचे है 6 लाइनें जो आपको दिख रही हैं। ये लाइनें यहाँ पे नीचे जो ऑरेंज कलर की लिस्ट के कंपोनेंट्स यहाँ पे मिलेंगे, उसके बाद में ये लाइनें यहाँ से 6 आगे सीपीयू के अंदर जाती हैं। यानी जो हमारा टच है वो बिना बीच में कोई भी कंपोनेंट नहीं मिलता है इस मोबाइल में, और इसके जो कनेक्टर के बगल में ही कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। इससे आप इसको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। इसको देख के एक बार वीडियो आपने देख ली, समझ लीजिए आपने मोबाइल रिपेयर कर दिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करें।